हाय गाइस, आई एम अदनान एंड यू आर वाचिंग टेक विद मैक चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एप्पल लॉन्च इवेंट, इसमें क्या चीज लॉन्च हुई और क्या नहीं हुई, सब चीज डिटेल में। सो लेट्स मूव ऑन विद एन इंट्रो। जैसा कि आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि एप्पल क्या चीज़ें लॉन्च करने वाला है और क्या नहीं, तो मैं इसमें आपको एक स्पॉइलर बता देता हूँ कि एप्पल का आईफोन 12 और एप्पल एयरटैग दोनों लॉन्च नहीं हुए। जो चीज़ लॉन्च हुई है वो एप्पल की वॉच और आईपैड लॉन्च हुआ है। एप्पल की वॉच में अगर देखें तो एप्पल वॉच सीरीज 6 एंड SE ये दोनों लॉन्च किए गए हैं। दोनों की साइज़ डिस्प्ले के अगर देखने जाए तो 40 और 44 mm के साथ में आती है। और इसमें फीचर्स देखें तो ये A13 बायोनिक चिप बेस्ड एप्पल S6 चिप पर आने वाला है, जो कि 20% फास्टर रहेगा। और इसकी लाइफ हमें 18 आवर्स की बताई गई है। और एप्पल वॉच सीरीज 6 में ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट भी ऐड किया गया है। और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसका डिस्प्ले 2.5% ब्राइटर दिया गया है पहले से। और ये हमें वॉच OS 7 पर रन करता हुआ मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और इसके कलर की अगर बात की जाए तो ये रेड अलॉन्ग साइड स्पेस ब्लैक टाइटेनियम न्यू गोल्ड स्टेनलेस स्टील और सिल्वर एल्यूमिनियम के साथ में आने वाला है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो GPS वर्जन हमें 41,000 रुपीज़ और GPS प्लस सेलुलर वर्जन हमें 50,000 के आसपास मिलने वाला है। और अगर वॉच AC की बात करें तो इसके फीचर्स ये है कि इसका डिस्प्ले 30% लार्जर दिया गया है सीरीज 3 के मुकाबले में। और ये S5 प्रोसेसर पर रन करने वाला है ड्यूअल कोर। और इसमें भी हमें वॉच OS 7 मिलने वाला है। अगर इसके भी कलर्स की बात करें तो ये हमें गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ग्रे एल्यूमिनियम पर मिलने वाला है। और अगर इसमें अगर GPS वाले वर्जन की बात करें प्राइस की, तो ये 30,000 और GPS प्लस सेलुलर वर्जन हमें 35,000 पर मिलने वाला है। और iPad 8 जनरेशन भी लॉन्च किया गया है, जिसका डिस्प्ले हमें 10.2 इंचेस का रेटिना डिस्प्ले मिलने वाला है। और ये A12 चिप पर रन करने वाला है। इसके कलर्स की बात करें तो हमें सिल्वर, स्पेस ग्रे और रोज गोल्ड में मिलने वाला है। और इसके प्राइसिंग हमें वाईफाई वर्जन की 30,000 टू 38,000 मिलने वाली है और सेलुलर वर्जन की हमें 42,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिलने वाली है। और एप्पल iPad Air भी लॉन्च किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि ये एप्पल का सबसे पावरफुल iPad है आज तक का। इसमें A14 बायोनिक चिप लगाई गई है, जो कि 40% हमें बूस्ट देती है CPU में और 30% इन ग्राफिक। और इसका डिस्प्ले हमें 10.9 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि अराउंड 11 इंचेस के आसपास है। और ये लेटेस्ट वर्जन iPad OS 14 पर रन करने वाला है। वाईफाई वर्जन की अगर इसकी बात की जाए तो ये 55,000 से लेकर 70,000 के आसपास मिलने वाला है। और सेल्युलर वर्जन की अगर बात की जाए तो ये 70,000 से लेकर 81,000 तक मिलने वाला है। और अगर इसके हम कलर की बात की तो ये पाई कलर ऑप्शन में मिलने वाला है। पहला कलर है सिल्वर, सेकंड स्पेस ग्रे, थर्ड रोज गोल्ड, फोर्थ ग्रीन एंड फिफ्थ स्काई ब्लू कलर। और दोनों ही iPad एप्पल पेंसिल और एप्पल के स्मार्ट कीबोर्ड का सपोर्ट करने वाले। और एप्पल ने एप्पल वन सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च किया इंडिया में, जो कि US के कंपेयर में बहुत कम प्राइसिंग पे है आ रहा है, 195 पर मंथ। और इसमें हमें एप्पल TV, एप्पल म्यूजिक, एप्पल आई क्लाउड और एप्पल आर्केड, ये सब हमें 195 पर मंथ पर मिल रहा है। और अगर फैमिली प्लान देखने जाए तो ये 365 रुपीज़ पर मंथ का है, जिसमें हमें 6 मेंबर अलाउड है, 6 मेंबर पर हम शेयर कर सकते हैं। ये भी हमें सेम फीचर्स के साथ मिल रहा है, जो कि है एप्पल आई क्लाउड, एप्पल TV, एप्पल म्यूजिक और एप्पल आर्केड। और iPhone 12 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जो हमें शायद अक्टूबर के महीने में देखने को मिले। उसकी भी वीडियो में जल्द से जल्द लाऊंगा जब अगर iPhone 12 लॉन्च हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय न्यू नोटिफिकेशंस।